दिया। सिलेक्टर के बारे में हमने जो है पढ़ा था कल, तो सिलेक्टर तो चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आज इवेंट पढ़ लेते हैं और उस इवेंट को पढ़ने के बाद फिर हम कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन जैसे पे हम काम करना शुरू कर देंगे। तो इवेंट से क्या मतलब है? ये वही इवेंट है जो आप जावा में पढ़े होंगे, कुछ उसी तरह का इवेंट यहाँ पे भी है या फिर .NET टेक्नोलॉजी में वगैरह में होगा, वही इवेंट इधर भी है। जैसे रियल लाइफ में कहते हैं ना आप इवेंट, जैसे मान लीजिए बर्थडे है, एक इवेंट है बर्थडे, तो जब ये इवेंट होता है मतलब बर्थडे आपका होता है, तो क्या करते हैं, कुछ दोस्तों को बुलाते हैं बस, और दबा के पार्टी चलते हैं। तो ये आपके रियल टाइम के टाइम का इवेंट हो गया। इवेंट का मतलब है कुछ घटना घट जाना, कुछ एक्शन लेना, या स्टेट चेंज होना। अगर मैं HTML जावा स्क्रिप्ट की भाषा में बात करूं तो स्टेट वगैरह चेंज होना। एक मूवी देखा होगा आपने, साउथ इंडियन मूवी था एक, कुछ प्रेमता नाम था शायद उस मूवी का, उसमें एक्टर साई धर्म तेजा था। तो उसने एक बनाया था टेक्नोलॉजी, कुछ गैजेट्स वगैरह, जिसमें कि गाड़ी एक्सीडेंट होता, हाँ प्रेमम, गाड़ी जब एक्सीडेंट होता तो जो मैसेज चला जाता वो हॉस्पिटल में चला जाता, नजदीकी पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल वगैरह में मैसेज वगैरह हर जगह चला जाता था प्रेमम मूवी में। तो क्या करा था, बस उसने एक्सीडेंट इवेंट लगा दिया होगा। तो आपने सही करा, कहा प्रेमम मूवी था, तो कुछ एक्सीडेंट मूवी जो है, लेकिन अच्छा मोटिवेशन मूवी है, देखना चाहिए, जो है काफी अच्छा मोटिवेशन वाला मूवी है। तो आपने तो देखा ही है, खैर उसमें कोई दो राय है ही नहीं है, नहीं देखा होता तो नाम नहीं बताते यार। तो वही इवेंट है। अब जैसे कितने इवेंट हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो काफी सारे इवेंट हैं जावा स्क्रिप्ट में, हम जरूरत के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे इवेंट। जैसे मैंने कुछ इवेंट जो मुझे तुरंत याद आया जल्दी जल्दी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो माउस इवेंट में कौन सा आ जाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन कॉन्टेस्ट मेनू इवेंट, ऑन कॉन्टेस्ट मेनू इवेंट, मतलब ये वही वाला है जो जैसे दिखाऊं अगर मैं आपको, तो राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया और यहाँ पे जाऊंगा, तो मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, तो ये जो खुल गया ना यही है कंटेस्ट वाला। तो कंटेस्ट मेनू इवेंट हो गया, और फिर ऑन डबल क्लिक हो गया, डबल क्लिक आपने करा तो इवेंट कॉल हो गया। तो ये माउस के रिलेटेड इवेंट है, दो तीन मैंने ही लिखा है खाली, होते हैं और भी इवेंट हैं माउस आउट और बाकी बाकी। और कीबोर्ड इवेंट में भी वैसे कीबोर्ड का भी कुछ इवेंट है, जैसे ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, हम इन सारे इवेंट को देखेंगे, पर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें इन कीवर्ड इन इवेंट का जरूरत पड़ेगा और वहां पे हम इन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे फॉर्म का इवेंट है, तो फॉर्म का इवेंट हो गया ऑन ब्लर, जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है वहां से ऑन ब्लर हुआ। दूसरा ऑन चेंज इवेंट है, जैसे आपने फाइल अपलोड करा तो ऑन चेंज इवेंट हो गया। ऑन फोकस, आपने टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस करा तो ऑन फोकस हो गया। ऑन सबमिट इवेंट है, ऑन सबमिट इवेंट से क्या मतलब, जैसे आपने फॉर्म को सबमिट करा तो जावा स्क्रिप्ट का ऑन सबमिट इवेंट कॉल हो जाएगा। तो ये सारे इवेंट हैं। अब इवेंट लगाया कैसे जाता है, हम लोग ऑन क्लिक इवेंट को अभी देखते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, और BUTTON बटन लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे एक बटन का मैं आईडी दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख दूँ BTN, इसका मैंने BTN दे दिया आईडी। अब इसमें इवेंट कैसे लगाया जाएगा, इवेंट लगाने के क्या क्या तरीके हैं, तो एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जरूरत के अनुसार हम लोग लगाएंगे। तो एक इवेंट, एक तो ये है इवेंट कि आप क्या करिए, पहले एक फंक्शन बनाते हूँ मैं। तो मैं फंक्शन बनाया,
फंक्शन का नेम मैं देता हूँ माई एफ यू एन सी टी आई ओ एन फंक्शन, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं रहेगा। क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या क्लिक प्रिंट हो जाना चाहिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूँ वैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, यू होगा ना, फंक्शन कॉल हो जाए तो क्या करूंगा। पहला तो ये है और बहुत आसान है कि ऑन क्लिक करूंगा, ये देखिए जैसे ही ऑन क्लिक करा ये देखिए पूरा इंटेलिजेंस आना शुरू हो गया। तो इतने सारे इवेंट हैं यहाँ पे, देखिए मैं ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक किया और यहाँ पे क्या करूंगा फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा, ऐसे कर दिया फंक्शन कॉल। अब देखते हैं ब्राउजर में क्या होता है, आ गया बटन। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अभी कंसोल में कुछ नहीं आया है, जैसे ही मैं क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया, मैं जितने बार क्लिक करूंगा ये देखिए प्रिंट होता जा रहा है, 7 टाइम हो गया। तो इस तरह से ऑन क्लिक इवेंट हम लगा लेंगे बटन से। अब दूसरा मान लीजिए इवेंट आपको लगाना है, इस बटन को मैंने कमेंट कर दिया, दूसरे तरह से इवेंट लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो यहां से मैं इस इवेंट को गायब कर दूंगा और क्या करूंगा, BTN इसका आईडी है तो आईडी के सहायता से मैं सिलेक्ट करूंगा, BTN लिखा, BUTTON लिख देता हूं बटन, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर दिया। और आईडी इसका क्या है, बटन का आईडी, बटन का आईडी BTN है तो मैं यहाँ लिख दूंगा BTN, सेमीकोलन दे देता हूँ, जरूरी नहीं है पर मेरा आदत है तो मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डॉट ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लिखा और बराबर का साइन दे दूंगा, और फिर क्या करूंगा यहाँ पे ही लिख दूंगा FUNCTION, इस तरह से इस फंक्शन को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन। और फिर क्या करूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने क्लिक लिख दिया। तो अब आप देखिएगा कि इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो कॉल हो जाना चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, इस पे क्लिक किया यहाँ पे ये कॉल हो गया। तो ये इस तरह से भी इवेंट हम लागू कर सकते हैं, इसको भी मैं कमेंट करके छोड़ देता हूँ, इस फंक्शन को मैं अब अनकमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट किया। अगला टेक्निक क्या है, एक टेक्निक ये भी है कि आप क्या करिए BTN को सेलेक्ट कर लीजिए, पहले बटन को सेलेक्ट करा आपने और फिर मैं क्या करूँगा इधर बटन डॉट एड सजेशंस, यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, एड एक्शन लिसनर, लेकिन मुझे स्पेलिंग लग रहा है कि ये गलत होगा, कोई बात नहीं मैं इधर से चेक कर लूंगा, बटन डॉट एड एक्शन लिसनर। तो ये है मेथड, यहाँ पे भी आप एग्जीक्यूट कर ही सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एड एक्शन लिसनर यहाँ पे लिखा। अब कौन सा मैं इवेंट लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया CLICK, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं चाहूँ तो इस तरह से यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा इस तरह से, और यहाँ पे आऊंगा और लिख दूंगा क्लिक। रिफ्रेश कर दूंगा, फिर क्लिक किया तो क्लिक आ गया। तो इस तरह से भी हम इवेंट लगा सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया और यहीं पे जो है हमने पास कर दिया इवेंट। लेकिन आप मान लीजिए जैसे बहुत बड़ा लॉजिक है तो यहाँ पे ही आप लिखेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एनोनिमस सेक्शन ना बनाते हुए आप सीधा क्या कर सकते हैं, मेथड को कॉल कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर दूंगा यहाँ पे,
डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसको कॉल कमेंट किया और यहाँ पे आया, और मैंने इस एनोनिमस फंक्शन को मैं पहले तो गायब कर दूंगा ऐसे। और यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो माई फन नाम का फंक्शन है इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दिया, और यहाँ पे मैं जैसे ही कॉल किया तो ये देखिए क्लिक यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप जो है इवेंट लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी एलिमेंट पे इस तरह से आप लगाएंगे इवेंट। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, आपका सुविधा, आप जैसे चाहें लगाइए, आपका मर्जी है, जो इवेंट चाहें। अब एड इवेंट लिसनर, मेरे को इतना स्पेलिंग याद नहीं रहता, मैं टाइप नहीं कर सकता, थोड़ा लापरवाह आदमी हूँ। लिसनर और इवेंट में क्या डिफरेंट है? इवेंट जो है वो अकर हो गया, लिसनर का मतलब यह है कि आपको देख रहा है, ये क्या देख रहा है कि जैसे ही क्लिक हो तो मैं इसको कॉल कर दूं, करेक्ट। तो ये थोड़ा लंबा है, तो मैं स्पेलिंग भी आपके सामने भी मैंने नहीं टाइप किया, कंसोल से पता किया, तो इसलिए मैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ वो ये वाला इवेंट है। और मैं तो इस्तेमाल इसको भी नहीं करता, ये जावा स्क्रिप्ट में जेक्वेरी वगैरह का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आप चाहें तो इस इवेंट को इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छा तो ये है कि यहाँ पे आइए, ऑन क्लिक करिए और फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे सीधा तो भी कॉल हो जाएगा। अब आपको जो जो सही लगे इवेंट आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इसमें, कुछ पूछने का तो जरूरत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो पूछ लीजिए। चलिए हम क्या करेंगे कि सिलेक्टर हमने कल पढ़ लिया था, आज हमने इवेंट देख लिया, तो मैं क्या चाह रहा हूं अब कि हम यूजर से इनपुट लें, राइट, हम यूजर से इनपुट लें, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूं और नेम में नेम ले लेता हूं, यूजर से इनपुट लें और हम उसको दिखा दें एलर्ट में। कैसे दिखाया जाएगा? इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वैसे ही मेरे को दिखाई देना चाहिए नेम। तो कैसे लेंगे, मैं जो भी इवेंट कमेंट है उसको मैं नीचे कर देता हूँ, क्योंकि कोड हम मुझे देने भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी मैं नाम टाइप करूँ और फिर बटन पे क्लिक करूँ तो वो मेरा नाम जो है अलर्ट के रूप में दिखाई दे। अलर्ट का मतलब क्या है? अलर्ट ये है, अलर्ट मैंने लिखा और यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख दूंगा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो क्या होगा, अलर्ट के रूप में दिखाएगा, मैसेज देगा मुझे। कैसे? ये देखिए क्लिक करा तो ये देखिए मैसेज आ गया। तो इस तरह से मैसेज जो है अलर्ट मेथड देता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को नाम लेना है, नाम नहीं सॉरी इसका वैल्यू लेना है, क्योंकि यहां पे मैं आऊंगा और वैल्यू एट्रीब्यूट में मैं कुछ भी नेम पास कर देता हूं। तो जैसे ही इसको एक वैल्यू एट्रीब्यूट में नेम पास करूंगा तो यहां पे नेम मेरा आ जा रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका सीधा सा हुआ और ये हुआ कि इस एलिमेंट का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसमें जो भी लिखा रहेगा वो कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा, या फिर इसमें जो भी टाइप किया रहेगा यहाँ पे वो कहाँ जाएगा, वैल्यू में जाएगा, वो इस प्रॉपर्टी में जाएगा, इस एट्रीब्यूट में जाएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट में जाएगा। यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी टाइप करेंगे वो जाएगा वैल्यू एट्रीब्यूट में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ और उसको लिख देता हूँ नेम, मैंने बनाया नहीं, सीधा लिख दिया नेम, लेट वेरिएबल बनाऊंगा नेम नाम से। और क्या करूंगा, ये नेम ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी वेरिएबल चलेगा।
तो मैंने क्या करा कि इसको सिलेक्ट करना है, इसका आईडी है नेम, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां पे आईडी क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा। जैसे ही मैंने नेम दिया, इतना कोड लिखा तो क्या हुआ, इस टोटल एलिमेंट को, इनपुट टैग को सिलेक्ट कर लिया और मैं इसमें नेम में असाइन कर दिया। अब नेम का क्या मतलब है, नेम जहां पे भी लिखा जाता है तो नेम लिखने का मतलब यह है पूरा इतना एलिमेंट, राइट। अब इस एलिमेंट का मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं आऊंगा, डॉट लगाऊंगा और VALUE लिख दूंगा, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे आऊंगा, क्लिक करूंगा, तो ये देखिए वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया, तो ये देखिए कुछ भी आ गया। यहाँ पे जो भी आप रन टाइम पे लिखेंगे वो चीजें आ जाएगा। मैंने हार्ड कोडेड जो किया था वैल्यू, उसको गायब कर दूंगा, गायब कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं आया, ये देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने, तो ये देखिए अलर्ट में कुछ नहीं आया, ब्लैंक आ गया। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, जैसे मैं जावा स्क्रिप्ट लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम क्या लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुझे अलर्ट के माध्यम से नहीं दिखाना है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक पैराग्राफ बनाऊं, राइट, नेम नाम से मैंने पैराग्राफ बनाया, राइट, ये पैराग्राफ टैग बनाया नेम के नाम से, राइट। मैं चाहता हूं कि नेम के बगल में जो है आ जाए मेरा नेम, जो भी मैं टाइप करूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, डेटा यहां से मुझे लेना है, मैंने डेटा ले लिया, पर दिखाना कहाँ है, तो इसमें दिखाना है, राइट। तो दिखाना इस पैराग्राफ में है, तो इसको मुझे सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के लिए नेम एट मैं आईडी एक दे दूंगा, तो यहाँ पे दे दूंगा सो हाइफन नेम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को भी सो करना पड़ेगा। तो पैराग्राफ को सो कैसे मैं करूँगा, यहाँ पे पी ले लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लूंगा, और यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, सो नेम, ले लिया सो नेम मैंने। अब मुझे कहाँ पे दिखाना है, जहां पे ये नेम लिखा है, राइट, मुझे पैराग्राफ के अंदर दिखाना है, पैराग्राफ के अंदर। तो इस पैराग्राफ के अंदर कैसे मैं एक्सेस करूंगा, या फिर इस पैराग्राफ के अंदर कैसे मैं लिख पाऊंगा, तो इसका प्रॉपर्टी है HTML, इनर HTML, राइट। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सो नेम लिखा, ये पूरा एक्सेस हो गया, राइट। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है या फिर इसके अंदर कुछ दिखाना है, लिखना है, राइट, या फिर पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इनर HTML प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनर HTML एट्रीब्यूट कह लो या प्रॉपर्टी कह लो आप, राइट। जैसे मान लीजिए इसके अंदर नेम लिखा है, तो मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करूंगा, तो यहाँ पे आ जाता हूँ अलर्ट में ही, मैं अभी आ जाता हूँ, और पी डॉट इनर HTML, इनर का स्पेलिंग ऐसे ही होगा और HTML का स्पेलिंग ऐसे ही होगा, आया। और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे नेम लिखा है, तो ये देखिए नेम आ गया यहाँ पे, ये लीजिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं इनर HTML जब लिखा तो शो कर दिया, तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नेम यहाँ पे नहीं लिख सकता क्या, इस तरह से भी तो लिख ही सकता हूँ मैं, कि जो इनर HTML है पैराग्राफ का, जो इनर HTML है उसमें नेम असाइन कर दो, ऐसा भी तो हम लिख ही सकते हैं, तो ऐसा मैं लिख दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने नेम लिखा और क्लिक कर दिया, तो ये देखिए नेम आ गया, करेक्ट। लेकिन नेम जो पिछला वाला डेटा था वो चला गया, तो क्या है, इस प्रॉपर्टी के अंदर
पहले ये था, पहले नेम कॉलन था, लेकिन अब क्या हो गया, ए हो गया, पुराना डेटा को हटा दिया और नया डेटा को अपडेट कर दिया। वेरिएबल में भी तो ऐसा ही होता है, जैसे यहाँ पे लेट तो टेन आपने लिखा, ए नाम के वेरिएबल में टेन डाला तो टेन असाइन है, अब यहाँ पे 11 डाल देंगे तो अब ए में जो पुराना डेटा था 10 वो तो गायब हो गया, अब 11 आ गया, अब तो 11 आ गया ना। ठीक उसी तरह से पुराना डेटा क्या था, नेम था, लेकिन अब जैसे ही मैं इनर HTML पैराग्राफ डॉट इनर HTML लिखा और असाइन कर दिया नेम, वैसे ही ये पुराना डेटा गायब हो गया, नया डेटा आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो इसमें जो नेम हो वो नेम मुझे शो करे, तो कैसे शो करेगा इसका नेम, तो इसका नेम तो एक्सेस करना आसान है, कैसे, नेम डॉट वैल्यू, राइट। नेम का मतलब क्या है, ये पूरा एलिमेंट, और पी का क्या मतलब है, ये वाला पैराग्राफ। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले से नेम उठाऊंगा और इसमें सेट कर दूंगा, पैराग्राफ में सेट कर दूंगा। तो नेम डॉट वैल्यू लिखा, नेम डॉट वैल्यू में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, और मुझे दिखाना कहाँ है, इनर HTML में, राइट। अब कोड सही हमारा है, मैं यहाँ पे आऊंगा और क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे ले लूंगा, कुछ भी ले लेता हूँ, राम ले लिया, ये आ गया, अब श्याम ले लूंगा, जो भी मैं ले लूंगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया इस तरह से। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि पहले नेम शो हो, नेम कॉलन फिर नेम जो भी हो वो शो हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेम लिख दूंगा इस तरह से और यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, राइट। इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग के फॉर्म में शब्दों में मैंने पहले लिख दिया नेम, पहले नेम होगा और फिर प्लस का साइन देगा, मतलब इस शब्द को मैंने इस वैल्यू से जोड़ दिया, जोड़ा मतलब एडिशन किया, नहीं हुआ दो दो चार मैंने नहीं किया, बल्कि कॉन्केटिनेट किया, यहाँ पे जोड़ा, आपने हिंदी में संधि पढ़ा होगा वही यहाँ हो रहा है। तो नेम में डायनामिक वैल्यू आएगा, वो डायनामिक वैल्यू इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे आऊंगा और क्या लिख दूंगा, मोहन लिख दिया, क्लिक किया, ये लीजिए मोहन आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी लिख दूं, दो बार मैं मोहन लिख देता हूँ तो दो बार आ जाएगा, ये लीजिए। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे, राइट। तो इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अगर दिक्कत नहीं है तो कहेंगे आप तो हम आगे चलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के देखते हैं हम लोग, वो एप्लीकेशन क्या करेगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, राइट। तो अब इसमें मैं जो भी टाइप करूंगा वो मुझे क्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा है अब, राइट, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि बटन पे जैसे ही क्लिक करूं तो पासवर्ड शो हो, और जैसे ही बटन पे क्लिक करूं पासवर्ड हाइड हो जाए। हम यही एक छोटा सा फीचर बना के देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम इन सारे कोड को, मैं क्या करूँगा, पहले तो कमेंट कर देता हूँ इन सारे कोड को, और यहाँ पे आया ऐसे। ये फीचर हम बनाएंगे कैसे, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, पैराग्राफ टैग का जरूरत नहीं है, पर इसे मैं रहने देता हूँ क्योंकि कोड दूंगा तो ये रहेगा। जब यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पासवर्ड, तब क्या होता है, यहाँ पे हमें लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब यहाँ पे लिखा जाएगा टेक्स्ट तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी चीजें लिखा जाएगा वो दिखाई देने लगेगा।
तो बस हम इसी फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। इसी फंक्शनैलिटी पे हम काम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा मैं, इनपुट नाम से वेरिएबल बनाया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लिया। आईडी में क्या डाल दूंगा, मैं नेम डाल दूंगा, क्योंकि इसका आईडी नेम है। नेम डाला, ये आ गया यहाँ पे। अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं किसी भी तरह से इस पासवर्ड को अगर गेट कर लूं, अगर इस पासवर्ड को जो है गेट कर लूं तो ठीक होता। तो इनपुट में टाइप एट्रीब्यूट लगा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे सॉरी अलर्ट और यहाँ पे इनपुट डॉट टाइप लिख दूंगा तो क्या एक्सेस हो जाएगा। इनपुट और मैं टाइप लिख दिया यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे मैं क्लिक किया, पासवर्ड आ गया, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेक करता हूँ कैसे, इफ, राइट, इफ अगर क्या हो इसमें डबल इक्वल टू पासवर्ड, अगर पासवर्ड हो तो क्या कर दो, इनपुट का टाइप जो है वो बदल दो, राइट, और क्या कर दो टाइप, टेक्स्ट, इसका टाइप कर दो टेक्स्ट, राइट। तो हमारा काम हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं। यहाँ पे मैं आया, कुछ भी लिखा, क्लिक कर दिया इस पे, तो ये देखिए ये शो हो गया। लेकिन अब फिर से इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक बार जब शो हो गया तो ये, राइट, इस पे क्लिक हो गया, ये हो गया। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया ये आ गया, शो होने लगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि अगर इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड है तो टेक्स्ट कर दो, एल्स में भी मैं लिख दूंगा, अन्यथा क्या कर दो, इनपुट टाइप टेक्स्ट को, अन्यथा में कब जाएगा, जब टाइप का वैल्यू पासवर्ड नहीं होगा, जब पासवर्ड नहीं होगा तो क्या होगा, टेक्स्ट ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जब इनपुट का टाइप का एट्रीब्यूट का वैल्यू पासवर्ड होगा तब तो टेक्स्ट कर देगा, मतलब तब शो करेगा, लेकिन जब टाइप का वैल्यू टेक्स्ट होगा तो पासवर्ड नहीं होगा, जब टेक्स्ट होगा तो क्या करेंगे, हम कर देंगे पासवर्ड, राइट। अगर टाइप का वैल्यू पासवर्ड है तब क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो, अन्यथा सिंपल सी बात है पासवर्ड कर दो। तो चलिए जी देखते हैं हमारा बना कि नहीं ये एप्लीकेशन। यहाँ पे आया, ये देखिए शो किया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो मैं शो हाइड हो रहा है, राइट, शो हाइड हमारा ये हो रहा है। तो इस तरह से जैसे हम जो हम शो हाइड का फंक्शनैलिटी दे देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, दिक्कत कुछ है, पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए अब क्या मैं करना चाह रहा हूं, इसमें एक चीज और परिवर्तन करता हूं मैं इसमें। जैसे यहां पे क्लिक लिखा हुआ है, यहां पे अगर सो हाइड लिखा था तो कितना अच्छा होता ना, बहुत अच्छा होता। ये फीचर भी हम लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इस बटन के अंदर लिखा हुआ है क्लिक, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, शो, राइट। तो पहले मुझे इस बटन को सेलेक्ट करना होगा, तो क्या मैं करूंगा, नीचे आऊंगा मैं, और यहां पे आऊंगा मैं, राइट, बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बटन को तो मैं पहले से सेलेक्ट कर रखा हूं यहां, करेक्ट, और इसी बटन पे मैंने क्लिक इवेंट पास किया है, राइट, मैंने बटन पे ही क्लिक इवेंट पास किया है, करेक्ट।
अब मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग करूंगा। अब दिस लिखूंगा तो क्या मेरा बटन एक्सेस नहीं होना चाहिए? दिस मतलब यह, अब यह कौन है, तो यह बटन ही तो है ना। तो इस बटन के ऊपर क्लिक इवेंट पास हुआ और इसी क्लिक इवेंट के अंदर मैं दिस का प्रयोग करूंगा। तो यहां पे जब दिस का प्रयोग करूंगा इसका मतलब बटन है। दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बटन को। चलिए मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे जैसे क्लिक किया इस पे, ये देखिए बटन आ गया यहाँ पे, तो दिस माने बटन, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, लिखूंगा दिस डॉट लिखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, जैसे ही चेक किया जाएगा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, तो क्या कर देगा, टेक्स्ट कर देगा। और जैसे ही इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट हो जाएगा, टाइप का वैल्यू जैसे ही टेक्स्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, इस एलिमेंट में, इस इनपुट टैग में पासवर्ड दिखाई देने लगेगा। जब पासवर्ड दिखाई देने लगेगा तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, बटन का वैल्यू हाइड कर देना है, या फिर बटन में जो ये सो लिखा है उसको हाइड लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन के अंदर ये लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको इनर HTML के माध्यम से एक्सेस नहीं कर सकता, देखते हैं जी करके। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, HIDE हाइड लिख दूंगा, राइट। तो जब इनपुट सो जब हम करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, पासवर्ड जो है वो सो होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही इनपुट टाइप का वैल्यू क्या होगा, टाइप का वैल्यू जैसे ही टेक्स्ट होगा तो पासवर्ड सो होने लगेगा ना, तब मुझे क्या दिखाना है, तब मुझे बटन का वैल्यू या फिर बटन का इनर HTML को हाइड रखना है। तब तो एंड यूजर को पता चलेगा कि पासवर्ड अभी सो हो रहा है, तो इस पे क्लिक करूंगा तो हाइड होगा, राइट। जब पासवर्ड जो है सो करने लगे टेक्स्ट के फॉर्म में, तब बटन का वैल्यू हाइड होना चाहिए। तो टाइप का वैल्यू मैंने यहाँ पे टेक्स्ट किया, तब बटन का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, मतलब ये हाइड बटन हो गया, राइट। लेकिन एल्स में क्या है, एल्स में कंडीशन लिखा गया है टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो जब टाइप में पासवर्ड चला जाएगा मतलब पासवर्ड नहीं दिखेगा। जब पासवर्ड नहीं दिखेगा तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, बटन में सो लिखना होगा। जब पासवर्ड हाइड हो जाए तो बटन का वैल्यू सो करना होगा हमें। तो क्या करूंगा, मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे सो कर दूंगा ऐसे। आप जो यहां पे कह रहे थे ना सो करने के लिए, मैं अपोजिट कंडीशन फिट कर रहा हूं यहां पे, राइट। मैं उल्टा सो करना चाह रहा हूं, अगर पासवर्ड सो हो तो बटन हाइड लिखा हो बटन में, और जब पासवर्ड हाइड हो तो बटन में सो लिखा हो। मुझे एक कंडीशन अप्लाई करना था, मैंने ऐसा करना था, इसीलिए जो है आपने बोला वो उसमें कोई गलती नहीं है, परंतु मैं कंडीशन अपोजिट लगाना चाहता हूँ, उल्टा, इसलिए मैंने ऐसा करा है। अब मैं रिफ्रेश किया, चलिए यहाँ पे मैं क्या पासवर्ड डाला आपको मालूम नहीं है। जैसे ही मैं सो पे क्लिक किया तो देखिए पासवर्ड सो हो गया, लेकिन इसका क्या वैल्यू हो गया, हाइड, मतलब इस हाइड पे क्लिक करूंगा तो पासवर्ड हाइड होगा। फिर इस पे क्लिक किया तो फिर हाइड हो गया। तो हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन बन गया जो कि क्या कर रहा है, हाइड शो का, पासवर्ड को हाइड और शो करने का फीचर हमने बना लिया, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बाकी क्या कहते हैं, हम कल पढ़ें, चलिए।